टॉपिक ऑफ द डे इज बैटरी, वेरी कॉमन वर्ड नोन टू यू ऑल. बैटरी प्रोबेबली यू आर नोइंग, नॉट ओनली नोइंग, रादर यू आर यूजिंग बैटरी. करते हो यूज बैटरी का? हेलो. हाँ तो व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. समटाइम इट इज अ सिंगल सेल एंड समटाइम इट इज सीरीज ऑफ सेल्स. सो बैटरी इज a series of electrochemical cell. Electrochemical cell which is used to produce electricity. आप कहोगे क्या अंतर हुआ? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम छोटकर ही पढ़ते हैं. एक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. तो कोई चीज प्रोड्यूस करना और उसका ऑप्टिमम यूज करना दो डिफरेंट चीज है. ऑप्टिमम जब यूज की बात होगी तो उसमें प्रश्न आएगा कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं आसानी से, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्या उसमें सेफ्टी अरेंजमेंट है, ये सब आता है तब हम उसका यूज कर पाते हैं अच्छे से. जो वस्तु हमारे पास है उसका यूज कब कर पाएंगे? जब वो हमारे लिए कंपेटेबल हो. तो वही है बैटरी. एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, आप घर में देखे हैं, आपके टॉर्च में बैटरी होता है, आपके मोबाइल में बैटरी होता है, आप और भी जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल उसमें बैटरी होते हैं, आपके घर में जो रहता है बैटरा और इन्वर्टर बिजली देने के लिए वो सब बैटरी है, आपके गाड़ी में बैटरी होता है, ठीक है. तो बहुत टाइप की बैटरी आपने देखा है. दे ऑल आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. मीन्स इन दैट बैटरी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दैट रिएक्शन is converted to electricity. Okay? Chemical reaction takes place. So it may be a single cell, may be a series of cells, no problem. And that is used to produce electricity. So what is the criteria of a battery? First criteria is it should produce electricity at the cost of chemical reaction. Second, it must be easily transportable, light and safe. No, it should be light and safe, easy to transport from one place to other place. And it should not damage the instrument in which it is kept. So safety is also a main point. First point, it should produce electricity at the cost of chemical reactions. First point, it should produce electricity at the cost of chemical reactions. Chemical reaction ke cost par ye electricity produce karo kare. Dusra, it should be compact. Compact means closed, so it can be transported easily. Can be transported easily. It should be lighter and safe. Safe for the instrument and safe for ourselves also.
So these are the four criteria of a battery. You have? Sir, आप board पे लिख रहे हैं क्या? हाँ हाँ, हम इसको हटाएंगे तो करेगा. अभी तो ये लगाए हुए हैं ना. अभी तो स्क्रीन लगाए थे देखने के लिए आप लोगों को बैटरी का फोटो. हम इसको रिमूव करेंगे. बैटरी देख लिए ना. ये जो है तुम्हारे घर में इन्वर्टर है. ये सेकेंडरी बैटरी है. सेकेंडरी बैटरी मिशन. और ये मोबाइल का बैटरी है. चार तरह के बैटरी इसमें यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को. फोर टाइप्स. ये सब जो हम लोग यूज करते हैं टॉर्च में वो बैटरी है. और जो हियरिंग एड में यूज करते हैं वो ये है. क्लॉक में यूज करते हैं ये सब. ये घड़ी है. घड़ी का बैटरी है ये. तो बैटरी इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इट शुड हैव फोर प्रॉपर्टीज. इट शुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. इट शुड बी कॉम्पैक्ट मींस कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली. इट शुड बी लाइटर एंड इट शुड बी सेफ. ये चार प्रॉपर्टी हैं किसी भी बैटरी के लिए. अब जो बैटरी आपने देखा है उसको मिलाकर सोच लो क्या ये सब प्रॉपर्टी तुम्हारे बैटरी में है कि नहीं. जो बैटरी मोबाइल में यूज करते हैं, जो बैटरी टॉर्च में यूज करते हैं, जो बैटरी हम और इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, अपने रिमोट में यूज करते हैं, टीवी के रिमोट में यूज करते हैं, वो सब देखिए लाइट वेट है, कम्पैक्ट है नहीं, और बिल्कुल सेफ है. उससे कुछ हमारा डैमेज नहीं होता है इंस्ट्रूमेंट. एक जो घर में यूज करते हैं बैटरा भरा वाला लेड स्टोरेज बैटरी वो थोड़ा सा भारी होता है. लेकिन बहुत भारी नहीं होता है. इतना होता है कि एक आदमी उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो ये बैटरी दो तरह के होते हैं. दो तरह के बैटरी की चर्चा हम लोग यहां करेंगे. एक को बोलते हैं प्राइमरी बैटरी और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी. बैटरी का दो टाइप. फर्स्ट इज प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी. व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी? प्राइमरी मींस ए बैटरी व्हिच कैन बी यूज्ड वंस ओनली. एक बार आप यूज कर लिए उसके बाद उसको फेंक दो. देखो फेंको यूज करते हो तुम लोग पेन. ऐसा ही है प्राइमरी बैटरी व्हिच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड आफ्टर डिस्चार्ज. एक बार डिस्चार्ज हो गया तो उसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते. और सेकेंडरी बैटरी है विच कैन बी रीयूज्ड, विच कैन बी रीचार्ज्ड. एक बार डिस्चार्ज हो गया, हमने यूज कर लिया, उसको फिर से यूज कर सकते हैं. अब देखिए आपके पास एग्जांपल है. जो बैटरी हम लगाते हैं टॉर्च में उसमें खत्म हो जाता है, उस बैटरी को फेंक देते हैं. वैसे टॉर्च का भी अब आया है रिचार्जेबल बैटरी, लेकिन नॉर्मल जो बैटरी है वो फेंक देते हैं. और जो घर में है लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं उसको, बड़ा सा बैटरा, या जो कार में यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि हम उसको चार्ज करते हैं, यूज करते हैं, फिर डिस्चार्ज होता है, फिर उसको चार्ज करते हैं और यूज करते हैं. ये हुआ सेकेंडरी बैटरी. आजकल ऐसा टॉर्च भी आया है जिसको रिचार्ज कर लेते हैं हम लोग. टॉर्च लिए यूज किए फिर डिस्चार्ज हो गया
उसको रिचार्ज कर लिए। तो जिस जिसको आप रिचार्ज करते हो वो सब बैटरी सेकेंडरी बैटरी है, ठीक है। जिसको रिचार्ज कर लेते हैं वो सेकेंडरी बैटरी है, जिसको यूज करके फेंक देते हैं वो प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी मीन्स ए बैटरी विच कैन नॉट बी रिचार्ज आफ्टर डिस्चार्ज, और सेकेंडरी बैटरी है ये बैटरी विच कैन बी रिचार्ज आफ्टर डिस्चार्ज, मतलब इसका रिएक्शन, इट्स रिएक्शन इज इरिवर्सिबल एंड इट्स रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ठीक है, जिसका रिएक्शन रिवर्सिबल है तो पहले रिएक्शन हुआ, बिजली प्रोड्यूस किया, फिर रिएक्शन रिवर्स हो गया तो फिर वहां जमा हो गया बिजली। और जिसका इरिवर्सिबल है, रिएक्शन होकर खत्म हो गया, रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम हो गया, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा, तो वो हो गया प्राइमरी बैटरी। मतलब ए से बी बना और खत्म हो गया, इसमें क्या हुआ ए से बी बना और फिर वापस बी से ए बन गया, फिर ए से बी बना फिर बी से ए बन गया, ये बैटरी चलता रहता है। हम दोनों बैटरी में दो दो टाइप का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। प्राइमरी बैटरी में हम लेंगे ड्राई सेल, ड्राई सेल जो सेल आप यूज करते हो टॉर्च में, रेडियो में, टॉर्च रेडियो मतलब ट्रांजिस्टर इटीसी, और दूसरा मरकरी सेल। मरकरी सेल जो यूज करते हैं वॉचेज में, हियरिंग एड्स में, ये सब। सेकेंडरी बैटरी भी दो पढ़ेंगे हम लोग, दो एग्जांपल। एक पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी और दूसरा पढ़ेंगे निकेल कैडमियम सेल। एक ड्राई सेल मरकरी सेल प्राइमरी बैटरी में और सेकेंडरी में लेड स्टोरेज बैटरी और निकेल कैडमियम सेल। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? बोलो, कुछ क्वेश्चन है किसी के मन में? गुड, देन शुड आई प्रोड्यूस प्रोसीड टू ड्राई सेल। नो, बता दिया आपको कि सेल बैटरी क्या है, सीरीज ऑफ सेल है जो केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और ये दो तरह का होता है प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी मीन्स विच कैन बी रीयूज्ड आफ्टर डिस्चार्ज, और सेकेंडरी बैटरी मीन्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड आफ्टर डिस्चार्ज। उसका दोनों का दो दो एग्जाम्पल है, जो यही चार एग्जाम्पल हम लोगों को पढ़ना है, प्राइमरी में ड्राई सेल और मरकरी सेल और सेकेंडरी में लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकेल कैडमियम सेल, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी बैटरी में आज हम लोग ड्राई सेल को पढ़ेंगे। और इस पढ़ाई के बाद आप अपना बना सकते हो बैटरी, दुकान खोल सकते हो बैटरी का। और आजकल तो डाउन लॉकडाउन में ज्यादा पड़ा है यूज इलेक्ट्रॉनिक्स का, अच्छा बिजनेस भी चलेगा।
बहुत सिंपल है बैटरी बनाना। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं ड्राई सेल। आपने पहले भी देखा ही होगा, राम भैया भी दिखाए थे आपको ड्राई सेल। इसमें जिंक का एक होता है सिलेंडर, यह है जिंक सिलेंडर। क्या है? जिंक मेटल का बना हुआ छोटा सा ये सिलेंडर है। और आप देखे होंगे अगर बैटरी को तोड़े होंगे बच्चा में, तो उसके बीच में एक काला रॉड रहता है, ग्रेफाइट का रॉड। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ये रॉड इस जिंक में सटता नहीं है, इस जिंक से अलग रहता है। और इसमें देखेंगे आप दो तरह का सब्सटेंस भरा हुआ है, दो तरह का। ये जो ब्लैक रॉड है ग्रेफाइट का रॉड, इसमें मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन है, मैंगनीज ऑक्साइड और प्लस कार्बन पाउडर भरा हुआ है इसमें भीतर। और ये जिंक वाला जो है इसमें भरा है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, ये भरा हुआ है इसमें। ठीक है, जो लेयर जिंक के प्लेट को टच करता है उसमें है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। उस पेस्ट के बाद ये इस रॉड को टच करता हुआ मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का चूर्ण है। बस हो गया, बैटरी बन गया। कितना ही काम करना था, एक जिंक सिलेंडर लो, उसमें पहले एक लेयर डाल दो जिंक क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का, उसके बाद उसमें डाल दो ये रॉड ग्रेफाइट का रॉड, ग्रेफाइट रॉड डालने के बाद उसमें डाल दो मैंगनीज ऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर, बैटरी तैयार है। अब इसका मुंह बंद करिए, सील करिए इसको, ये आपका प्रॉब्लम है कौन सील करेंगे। जनरली लोग सील करते हैं अलकतरा से, अलकतरा कोल्टार, कोल्टार से सील कर देते हैं। ठीक है, और कोल्टार सील और इसके ऊपर एक मेटल का कैप लगा रहता है, देखे हो मेटल कैप रहता है उस रॉड के ऊपर में, मेटल का कैप रहता है जो सटता है कहीं, देखे होंगे बैटरी में। yes, sir, yes. ये कैप सिर्फ इस ग्रेफाइट रॉड के सेफ्टी के लिए है, बिकॉज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, तो बार बार हम यूज करेंगे, देखते ही यूज निकाल लेते हैं हम लोग, फिर घुसा देते हैं, तो उसमें ग्रेफाइट का टूट सकता है, तो उसके सेफ्टी के कोई और काम नहीं है इसका, तो सेव द ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, और इस जो जिंक है उसके बाहर अपना विज्ञापन लगा दीजिए, कोई बिल्ली का फोटो लगाता है, कोई अमिताभ बच्चन का लगाता है, आप चाहें तो अपना भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो ब्रांड बनाना चाहें वो फोटो लगा दीजिए और आपका ये बैटरी बिकेगा, मार्केट में तैयार है कंप्लीट। वहां भी दो तरह का बैटरी मिलता है मार्केट में। हाँ, क्या मेरा लगा दो सर, आप ही बैटरी बना सकता है तो आप ही लगा दीजिए, लगा दो, बहुत अच्छी बात है, आई विल बी हैप्पी। ठीक है, उसमें दो तरह का बैटरी है, जब खरीदे जाते होंगे दुकान में आप, तो वहां एक होता है लीक प्रूफ बैटरी। अंतर यह है कि नॉर्मल बैटरी में कूट का रहता है, गत्ता का, कार्डबोर्ड का लेयर जिस पर होता लिखा हुआ उसका ब्रांड नेम, प्राइस का बना, क्या बना, ये सब लिखा रहता है ना, वो सब होता है कूट का बना हुआ। और लीक प्रूफ में ये मेटल होता अलग से, फिर ग्रेफाइट के
लेयर के ऊपर से एक मेटल का लेयर। अंतर क्या हुआ सर? अंतर ये हुआ कि यूज के दौरान ये जिंक का जो वाल है ये खर्च हो जाता है, और जब ये वाल खर्च हो जाएगा तब जो भीतर मटेरियल सब बचा हुआ है ये सब बाहर निकल जाएगा और आपके इंस्ट्रूमेंट को डैमेज कर देगा। ठीक है, जो कूट है उसको रोक नहीं पाता, वो गल जाता है। अगर मेटल का लगा हुआ है ऊपर से कवर, तो जो टूटने के बाद जो मटेरियल सब उसी भीतर रहेगा, तो आपका जो सिस्टम है, जो टॉर्च है, ट्रांजिस्टर है, जहां लगा है बैटरी, वो डैमेज नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं लीक प्रूफ बैटरी। उस बैटरी में से भीतर से मटेरियल लीक नहीं होता है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्ट समझ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका रिएक्शंस। रिएक्शन क्या होता है इस सेल? तो इस सेल में जो रिएक्शन है वो देखिए, यहां तो ये जिंक है, यही है एनोड, और ये है कैथोड। ये जो जिंक का सिलेंडर है वही कैथोड एनोड है, और जो ग्रेफाइट का रॉड है वही कैथोड है। एनोड पर रिएक्शन होगा, एनोड पर होगा रिएक्शन, Zn सॉलिड विल गिव यू Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एक्वस हुआ कि Zn Cl2 रहेगा, पेस्ट रहेगा ना, दो बॉटल रहेगा। जिंक सॉलिड, जिंक 2 प्लस बना, इलेक्ट्रॉन दिया, ये रिएक्शन होगा एनोड पर। जानते हो एनोड में होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर जो MnO2 है यह NH4 प्लस से रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, MnOOH बनाएगा और अमोनिया बनाएगा। MnO2 NH4 प्लस से रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। एनोड पे होता है, मालूम है आपको, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। दिस इज सेल रिएक्शन। आपसे पूछेगा राइट द सेल रिएक्शन ऑफ ड्राई सेल, तो यही ड्राई सेल का सेल रिएक्शन है। एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। ठीक है, और ये जो अमोनिया गैस बना, इस सेल का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अमोनिया गैस इस जिंक आयन से रिएक्शन कर लेगा। जिंक 2 प्लस प्लस 4 अमोनिया गिव्स यू Zn NH3 होल 4 2 प्लस। सो अमोनिया गैस विल नॉट लीक। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, आप समझते हैं कुछ दिन के बाद अमोनिया बैटरी में एक्युमुलेट हो जाता और आपका बैटरी बस्ट कर जाता। तो आपका बैटरी बस्ट नहीं करता है ड्यू बिकॉज अमोनिया कंबाइंस विद जिंक आयन एंड फॉर्म्स जिंक एमीन कॉम्प्लेक्स। ये सब लाइन याद रखिए, इससे क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अमोनिया कंबाइंस विद जिंक टू आयन एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, और उसी में रह गया। अब देख रहे हो क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम बैटरी यूज कर रहे हो, ये जिंक जो इस वाल पे है यही ना ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये जिंक का वाल ऑक्सीडाइज होकर जा रहा है सॉल्यूशन में, जिंक आयन बनकर। धीरे धीरे वाल थीन होगा, पतला होगा, खर्च हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब ये जो भीतर मेटेरियल है वो बाहर आ जाएगा, लीक कर जाएगा। यह लीकेज वाला बैटरी हुआ। अगर हम इसे मेटल का लगा देंगे कवरिंग, तो लीक करने के बाद ही भीतर ही रहेगा, तो उसको कहेंगे लीक प्रूफ बैटरी। यह बैटरी 1.5 वोल्ट देता है, एक बैटरी 1.5 वोल्ट। तो अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट 6 वोल्ट का है, तो हम 4 बैटरी लगाएंगे सीरीज में। देखे होंगे आप,
एक का नेगेटिव, उसका पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे जोड़ते हैं हम लोग। एक बैटरी 1.5 वोल्ट का। तो जब सारा जिंक, ये जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन में चला जाएगा, ये बैटरी खत्म हो गया, इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, इट कैन नॉट बी रिचार्ज, सो इट इज प्राइमरी बैटरी। इसी का नाम लेकलांची सेल भी है, क्योंकि लेकलांची ने ही इसको बनाया था पहली बार, सो इट इज ऑल्सो नोन एज लेकलांची सेल। वैसे हम लोग इसको गैल्वानिक सेल भी कहते हैं, डैनियल सेल भी कहते हैं, ठीक है। डैनियल सेल जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं उसको लगभग डैनियल सेल कहते हैं, लेकलांची सेल कहते हैं। तो ये था हमारा ड्राई सेल, आपके घर में अगर होगा उसको तोड़ के आज देखिए, पढ़िए, जो मन में क्वेश्चन है हमसे पूछिए। हाँ बोलिए सर, उस पे बैटरी पे किसी किसी पे ये भी लिखा रहता है ना कि लेड और मर्करी फ्री। लेड कहाँ है इसमें? इसमें लेड है ना मर्करी है? इस बैटरी में ना लेड है ना मर्करी है? तो वही सर उस पे क्यों लिखा रहता है कि नहीं, मर्करी सेल भी होता है, मर्करी सेल भी होता है, लेड बैटरी भी होता है। तो अब जो नया नया आविष्कार हो रहा है, चूंकि मर्करी एंड लेड causes pollution to environment, so we have designed some cells which will not use lead. आपके घर में जो बैटरा है उसमें लेड है, तो उस लेड है, वैसे वहां लेड से emission नहीं होता है घर में, लेकिन वो dispose जब करेंगे, पुराना बैटरी आप बेच लेंगे, वो कहीं जाएगा, उसको फेंक देगा, तो वो तो pollution करेगा ना। और मरकरी सेल बताया मैंने अभी, आगे पढ़ाएंगे कल, मरकरी सेल भी होता है। तो मरकरी सेल पहले यूज होता था, अब हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि मरकरी इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग पॉल्यूशन टू द एनवायरमेंट। इसे लेडलेस पेट्रोल, पहले पेट्रोल में लेड TEL डालते थे, टेट्राइथाइल लेड, तो वहां पे देखेंगे लिखा था लेडलेस पेट्रोल। अब लोग चाहते हैं हाँ कि हम लेड का यूज नहीं करें, मरकरी का यूज नहीं करें, वो इन्वायरमेंटल, उससे केमिस्ट्री से मतलब नहीं है अपना। हम लोग तो मरकरी से कल पढ़ेंगे, देखेंगे उसका मैकेनिज्म, लेकिन अब लोग यूज नहीं करेंगे तो अल्टरनेट खोजेंगे उसका। बहुत आ गया है, तो बहुत अल्टरनेट आ गया। एनी मोर क्वेश्चन? न्यूमेरिकल बनाओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत टिपिकल है, उस न्यूमेरिकल बनाने से बहुत सा कंसेप्ट डेवलप होगा, उसको बनाओ, जहां दिक्कत हो हमसे पूछो।